most welcome in this book reading session. वो बोलेंगे तब ना. ओके, मोस्ट वेलकम इन दिस बुक रीडिंग सेशन. यस सर. दिस इज द बुक ऑफ कंप्यूटर. यस सर. दैट इज ए मशीन. यस सर. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. कंप्यूटर एक मशीन है. इसके बारे में अमित और अदिति वार्तालाप करते हैं. वार्तालाप करते हैं. वो क्या कहती है अमित? ये अदिति कहती है, हे अमित, हे अमित, डू यू नो दैट ए जूसर इज ए मशीन. अमित को पूछती है अदिति कि अमित तुम जानते हो जूसर एक मशीन है? अदिति को वो अमित बोलता है, यस अदिति, यस अदिति, ये जूसर इज ए मशीन. ये जूसर इज ए मशीन. हाँ अदिति, जूसर एक मशीन है. हाँ अदिति, जूसर एक मशीन है. एज इट मेक्स आवर वर्क इजियर, क्योंकि ये हमारे काम को सरल आसान बना देता है. यस सर. ठीक है. यस सर. नाउ वी विल लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड अस. थिंग्स अराउंड अस का हिंदी अर्थ होता है हमारे चारों तरफ की चीजें. हमारे चारों तरफ की चीजें. वी सी लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हम लोग अपने चारों ओर विभिन्न चीजों को देखते हैं. यस सर. बहुत सारे चीजों को देखते हैं. यस सर. सम ऑफ दीज आर नेचुरल. उसमें से कुछ नेचुरल होते हैं यानी प्राकृतिक होते हैं. वाइल सम आर ह्यूमन मेड. लेकिन कुछ जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं और उन्हें कृत्रिम कहा जाता है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है. yes, इसलिए हमें नेचुरल थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स को पहचानने आना चाहिए. नेचुरल थिंग्स एग्जिस्ट इन नेचर. नेचुरल थिंग्स प्रकृति के अंतर्गत होते हैं, नेचर में होते हैं. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा. हवा क्या है? प्रकृति के अंदर की चीज़ें हैं, वो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं. वाटर क्या है? जल हमें प्रकृति से आ रही है. ट्रीज यानी पौधे, ये सब प्रकृति से आ रही हैं. एनिमल्स, ये सभी नेचर के अंतर्गत आते हैं. एंड सॉयल और मिट्टी, ये सभी नेचर के श्रेणी में रखे गए हैं. ये सब नेचुरल थिंग्स हैं. ह्यूमन मेड थिंग्स आर मेड बाय अस. और मानव निर्मित चीज़ें हमारे द्वारा बनाई जाती हैं. एज फॉर एग्जाम्पल कार्स. कार से मानव बनाते हैं. टेबल्स मानव बनाते हैं. चेयर्स मानव बनाते हैं. एंड पेंस. ये पेंस भी किन्होंने बनाया? मानव ने बनाया. लेकिन ये ह्यूमन मेड थिंग होने के साथ साथ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है. तो आपको याद रखना है, रिमेंबर, नॉट ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स आर मशीन. मानव द्वारा निर्मित हर चीज़ें मशीन नहीं होती हैं. इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मशीन में और कौन कौन सी गुणवत्ता होती है, कौन कौन सी क्वालिटी होती है. आप इसे घर पर दोहराएंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.